सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। गाइस मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं गुरु एडिटर। तो गाइस इस वीडियो में हम कुछ इस तरह की एडिटिंग करना सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि ये मिस्टर फैसू का यहाँ पे फोटो एडिटिंग करा हुआ है और ये विजय मार ने एडिटिंग करा है गाइस। तो ये जो हम इस तरह की एडिटिंग करना यहाँ पे सीखेंगे अपनी वीडियो में, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को एडिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और पसंद आएगा तो गाइस साथ ही एक लाइक कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं। और गाइस हो सके ना तो गाइस आप लोगों को वीडियो पूरा देखने की कोशिश करा करो, जिससे कि गाइस आप जो है एक भी स्टेप मिस ना कर पाए। एंड गाइस पासवर्ड के लिए खासकर वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि गाइस पासवर्ड जो है कहीं पर भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो गाइस हमने बैकग्राउंड ओपन कर लिया है, अब सिंपल जो है ऐड फोटो में जाके अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पे अपना जो मॉडल बनाया, विजय मार को मॉडल बनाया, एंड यहाँ पे जो बैकग्राउंड है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका इरेज कर रखा है। और आप लोगों को अगर बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो गाइस चैनल पे कोई सी भी वीडियो जाके देख लेना, उस पर मैं हर वीडियो में क्योंकि गाइस बैकग्राउंड इरेज करना बताता हूँ, तो गाइस जाके देख लेना, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट करके लगाना होगा, और लगाने के बाद सिंपल चलना है गाइस यहाँ पे इरेजर में, देख सकते हो यहाँ पे इरेजर वाले ऑप्शन में चलना है। एंड गाइस इरेजर में आने के बाद सिंपल जो है किस पार्ट को आपको रिमूव करना है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले चलते हैं यहाँ पे ओपेसिटी इसका कम कर लेते हैं, यहाँ पे 50 तक आपको ओपेसिटी रख लेना है, जिससे कि आपका बैकग्राउंड जो हो दिखाई दे अच्छे से, ठीक है। एंड आपको इरेजर ले लेना है, इरेजर का जो है आपको हार्डनेस फुल रखना है एंड साइज़ को अपने मुताबिक रखना। एंड गाइस इरेजर बस वही पार्ट को करना जो कि गाइस आपको ये ऊँट है ना गाइस यहाँ पे कैमल, तो कैमल के ऊपर में जो पार्ट आ रहा है ना उसको इरेज करना है सिंपल सा, ठीक है। बस आपको अपने जो हैंड आ रहा है ना हैंड को छोड़ देना है, बाकी जो भी आपका कपड़ा ड्रेस आ रहा है उन सबको इरेज कर देना है। तो गाइस मैं यहाँ से इसे जल्दी जल्दी कर लूँगा इस तरीके से इरेज। और गाइस आप लोग मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करे हो तो यार फॉलो कर लेना, क्योंकि गाइस अगर आप लोग भी इस तरह की फोटो एडिटिंग करके मुझे टैग करोगे तो मैं आप लोग को जो है स्टोरी पे भी अपने मेंशन करूँगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। और गाइस साथ ही जो है आप लोग वहाँ पर पासवर्ड भी मेरे से पूछ सकते हो जो भी फाइल का रहेगा, ठीक है। फाइल नंबर आप मेरे को बता देना मैसेज में, उस फाइल नंबर का फिर पासवर्ड बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से जो है मैं इरेज कर लूँगा, एंड इरेज करने के बाद गाइस हमारा जो है परफेक्ट यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा हमारा फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इरेज करके डन कर लिया है। अब गाइस डन करने के बाद देखना है, अब ओपेसिटी फुल कर लिया, अब मेरा गाइस काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्टमेंट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे बट यहाँ पे अभी बैकग्राउंड के साथ ये जो हमारा फोटो है मैच नहीं हुआ, तो गाइस बैकग्राउंड के साथ मैच करने के लिए चलेंगे एडजस्टमेंट वाले टूल में। एंड गाइस ये देख सकते हो आपका फोटो एकदम बिल्कुल अलग लग रहा है, ठीक है ना। आप गाइस बैकग्राउंड से मैच करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पे टेम्परेचर का लास्ट में ऑप्शन मिलेगा, इस पर आ जाएंगे। एंड गाइस इसके अंदर आने के बाद इसका जो है ना यहाँ पर आपको गेन करना है, इंक्रीज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे अपने फोटो के हिसाब से देखना है कितना आपको रखना है, क्योंकि गाइस हमें यही कलर वाला इफेक्ट अपने फोटो के ऊपर देना है जैसा कि बैकग्राउंड में, तब हमारा मैच हो चुका है काफ़ी अच्छे से, देख सकते हो यहाँ पे। तो इतना मैंने 65 तक रख लिया, आपने भी अपने हिसाब से रख लेना। एंड गाइस ऐसे क्लियरिटी थोड़ी से बढ़ा लेंगे, जैसे कि फोटो की क्लियरिटी काफ़ी अच्छी आ जाए। एंड ऐसे जो है सिंपल क्लियरिटी बनाने के बाद सिंपल जो है आप डन कर दूंगा। अब डन करने के बाद हमारा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे से देख सकते हो मैच हो चुका है। अब ऐसे सिंपल डन करूँगा, और डन करने के बाद गाइस ऐड करेंगे चल के गाइस एक उसकी PNG, क्या कहते हैं नाम याद नहीं मेरे को आ रहा, यहाँ पे देख लो आप PNG दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये वाली PNG ऐड करेंगे, कहाँ पे है भाई, ये देख सकते हो गाइस ये वाली PNG है, सॉरी ये वाली PNG नहीं ये वाली है, ठीक है। तो गाइस ये PNG का भी आपको लिंक साथ में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो गाइस ये PNG ऐड करने के बाद आपको पूरे फोटो में इस तरीके से जूम करके लगा लेना है, ठीक है गाइस। पूरे फोटो में आपको लगाने के बाद सिंपल आपको ब्लेंड मोड वाले ऑप्शन पे आना है, एंड यहाँ पे ब्लेंड वाले ऑप्शन पे आने के बाद स्क्रीन कर देना है। अब स्क्रीन करने के बाद ये वाला इफेक्ट हमारे पूरे फोटो पे आ चुका है, बट आपको गाइस आपको इरेजर में आना है, और इरेजर में आके गाइस आपको फेस पे से एंड अपने ऊँट का जो फेस है उन फेसों पे से हल्का हल्का इरेज कर लेंगे, हार्डनेस कम करके इरेज करना, ठीक है गाइस। ज़्यादा इरेज मत करना अपने गाइस अपने फेस पे से, और गाइस जहाँ पर हमने लोगो लगाया है वो लोगों के ऊपर से भी हल्का हल्का इरेज कर लेना गाइस। थोड़ा बहुत ये इफेक्ट हमें रखना है अपने फोटो के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है गाइस। अब यहाँ से सिंपल जो है डन कर देंगे। अब डन करने के बाद गाइस हमारा पूरा यहाँ पे फोटो एडिट हो चुका है। अब गाइस थोड़ा सा चाहो तो गाइस लाइट रूम में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो अगर आप चाहो तो, वैसे आप रहने भी दे सकते हो, ऐसे ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग एडिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया है, पसंद आया तो कमेंट करके बताना कि एडिटिंग कैसा लगा। तो गाइस आपको इस तरीके से सेव करना है ड्रॉ टूल में आके, जिससे कि आपका फुल फोटो HD में आपका सेव हो। तो चलिए ऐसी किसी नेक्स्ट एडिटिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए टेक केयर।